हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, क्या कागज में आग है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ये भी कोई सवाल है जनाब? बिल्कुल नहीं। हमने कहा, अगर कागज में आग नहीं होती तो माचिस की तीली से दी हुई छोटी सी आग से कागज के भीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती? हर वस्तु में आग छिपी होती है, माचिस की तीली उस छिपी आग को दहकाती है। एक बार एक बच्चा स्कूल से लौट कर आया और उसने अपनी माँ को टीचर ने दी हुई एक चिट्ठी दी। जब माँ ने चिट्ठी पढ़ ली तब बच्चे ने माँ से पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है माँ? माँ ने बच्चे से कहा, बेटा टीचर ने चिट्ठी में लिखा है, मैडम आपका बेटा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए, बेहतर होगा कि आप इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कहीं और करें। बरसों बाद जब माँ का देहांत हो गया, ये बच्चा जो अब एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक बन चुका था, माँ के अंतिम संस्कार के लिए आया। सारी विधियों के पूर्ण होने के पश्चात वैज्ञानिक महोदय अपनी माँ के घर गए और वहाँ टेबल के ड्रॉवर में उन्हें सालों पुरानी वो चिट्ठी मिली। जैसे वो इस चिट्ठी को पढ़ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी में लिखा था, मैडम आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू है, हम इसे सिखाकर तंग आ चुके हैं, हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इसे घर पे ही सिखाएं। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए वैज्ञानिक महोदय ने चिट्ठी के नीचे लिखा, जी हाँ, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसके माँ के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया। देवी और सज्जनों, हर व्यक्ति में किसी विशेष योग्यता, हुनर की आग छिपी हुई है। यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ति माचिस की वो तीली मिल जाए ना, तो भीतर की आग बाहर निकलती है और विश्व कल्याण होता है। ढूंढिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप में विश्वास करे, या बनिए वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को दहकाए।